बच्चों आज हम लोग करेंगे कृत्यात्मक मेरु वक्रासन। तो कैसे इसको करना है ये आप पहले देख लीजिए, इसके लाभ को मैं बाद में बताऊंगा। तो पैर आप जितना संभव हो सके फैला दें, जितना संभव हो सके पैर को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, जितना संभव हो सके आप फैला दें। और इस प्रकार हाथ को आप यहाँ पे रख दें। और इसमें एक और विधि है जो श्वसन क्रिया की, वो आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ हाथ फैला दिए हैं और इसमें ये करना होता है तो आप ये श्वास छोड़ते हुए भी कर सकते हैं यहाँ, और फिर वापस आएंगे तो श्वास लेते हुए इधर कर सकते हैं। और इसमें आप उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि श्वास लेते हुए ये कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ये कर सकते हैं। तो अगर आपको उधर पर संबंधित उधर पे आपको पेट पे अगर मजबूत बनाना है, पेट पे भार देना है, तो आप यहाँ पे श्वास लेते हुए करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पीठ पे भार देना है तो आप यहाँ पे श्वास छोड़ते हुए करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं श्वास छोड़ते हुए। तो यहाँ से जाएंगे और इस हैंड को, दाहिने हैंड को बाएं हैंड पे रखेंगे और इस हैंड को जितना संभव हो सके पीछे की ओर डालेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। फिर इधर से श्वास लेते हुए आएंगे, फिर इस हैंड को बाएं दाहिने पैर पे रखेंगे और इसको भी जितना संभव हो सके पीछे डालेंगे और देखने का प्रयास करेंगे श्वास लेते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए इधर, यानी कि श्वास छोड़ते हुए ये करना है और श्वास लेते हुए सामने आ जाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए ये, फिर श्वास लेते हुए ये। ये आपका हो गया। इसको आप 10 से 20 बार करेंगे स्लो में, फिर आप इसको स्पीड भी कर सकते हैं यहाँ से। ये आपको बहुत लाभदायक है। पीठ की गंभीर समस्याओं से आप अगर पीड़ित हैं तो इस आसन को नहीं करेंगे। और ये आसन पीठ के पेशियों को और मेरुदंड को लचीला बनाता है और पीठ संबंधित रोगों को ये दूर रखता है। पीठ संबंधित रोग ये आप इससे नहीं हो पाएगा। तो बच्चों इसका अभ्यास आप लोग घर पर जरूर करेंगे, इससे आपका पीठ और ये मेरुदंड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में।